So, hello everyone, boys and girls, ladies and gentlemen, welcome back to my YouTube channel, The Vlog Connection. तो गाइस फिर से बहुत दिनों बाद अपने चैनल पे एक वीडियो आ रहा है और उसको लेके मैं बहुत खुश हूँ अभी और एक्साइटेड भी हूँ क्योंकि आज का वीडियो सच में बहुत अलग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मेरे साथ बहुत दुष्कर्म होने वाले हैं, मेरे बीएड करने वाले लोग और मेरे साथ फेस पे पेंटिंग करने वाले जो कि काफ़ी ज़्यादा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूँगा अपने लाइफ में और जो ये करने वाला है उसको अपने वीडियो में वापस इंट्रोड्यूस करता हूँ एक बार। चश्मा आ जाना, आ जा ले बाबा, ले चश्मा ले आ जा। वन एंड ऑनली सोनाली मोरे, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा फेस पेंटिंग करती है और मुझे देख के, मैं इस पेंटिंग को देख के काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ और इसका ही आइडिया है कि लॉकडाउन है तो जिसकी वजह से काफ़ी सारे मेरे जो वीडियोस थे और व्लॉग्स में शूट करने वाला था वो ड्रॉप आउट हो गया, तो जिसकी वजह से इसने मेरे को आइडिया दिया कि आ जा एक घर पे और सेफली वीडियो शूट करते अपन फेस पेंटिंग एंड वगैरह। तो बताओ, तो आज के व्लॉग में इसको मैं करने वाली हूँ फेस पेंटिंग, बट मैं बताने नहीं वाली कि इसको क्या करने वाले, बिकॉज आप लोग वीडियो बिना देख के चले जाओगे, है ना? तो इसीलिए पूरा वीडियो देखो, आपको पता चल जाएगा कि मैं इसके फेस पे क्या करने वाली हूँ। पहले तो इसकी ये हटाने वाली हूँ मैं, पूरा घास फूस पूरा सपाट। जो जिन दोस्तों को भी देखना था ना कि तू एक बार अपनी दाढ़ी छिलवा ले, ट्रिम कर ले, देखना है कैसा दिख रहा है। इतनी खुशी टिकटॉक स्टार वगैरह वगैरह, तो देख लेना आज, देख तुम्हारे आज कलेजे को ठंडक पड़ जाएगी, ठीक है? तो वीडियो को देखना और ये, हाँ और हाँ गाइस, कोविड का सिचुएशन चल रहा है तो प्लीज सेफ रहो और ध्यान रहो और प्रिकॉशंस लेते रहो, ठीक है? इतना ही बोलूंगा और वीडियो आगे देखो और एंजॉय करो, ठीक है? तो गाइस ये थोड़ा खिसके या क्या? ओके हाँ अभी बोल। तो गाइस ये रहा ट्रिमर और अभी इनकी पार्टी चालू होने वाली है और मेरी बर्बादी। तो भाइयों जो भी देख रहा है ना, एटलीस्ट इसलिए तो एक लाइक और कमेंट कर देना आप लोग, क्या बोला? कुर्बानी है ये, कुर्बानी, लाइक कर दो। सब नैपकिन वगैरह लगा लिए, करो शुरू करो यार। ध्यान से यार प्लीज, बाल वगैरह भी जाना नहीं चाहिए यार। पहली बात तो बैटर ट्रिमर है था पकड़ ट्रिमर भी पकड़ने नहीं आ रहा है यार। और यार मैंने नैया मेरी किसके हाथ में दे दी, तूने कितना नंबर रखा है दाढ़ी का? वो तो देख लेती है एक बार। 10 नंबर वाओ गाइस, आप भी किसी फ्रेंड का ट्राई करो, आपको बहुत मजा आएगा, बहुत सेटिस्फेक्शन मिल रहा है मुझे तो। खारखूर खारखूर आवाज आ रहा है। एक दिन कैसे क्या से क्या हो गए। क्या करे, लॉकडाउन भी है, दाढ़ी कहीं और जाके करा नहीं सकते, इनसे नहीं हो पाएगा। ट्रिमर पकड़ने नहीं आ रहा, बियर्ड करने निकले करने। अंकल जी देखो, अंकल जी घर पे अंकल देख रहे रहेंगे। आधा ही रखना है क्या? जान पे आ रहा है दाढ़ी, तो अपन मुझ नहीं रख सकते थे? नहीं मुझ नहीं, मुझ भी निकालना है पूरा सपाट प्लेन। ओ माय गॉड, ए भगवान, ओ
इतना भी बुरा नहीं लग रहा है पर करे बहुत मनुष्य लग रहा हूँ। अच्छा लग रहा है सर। एक्स बियर्ड बॉय क्या बन गया? फोटो लेना है। सो हाय एवरीवन, मैं भास्कर का छोटा भाई। और कमेंट में बदले बदले कमेंट मत करना तुम लोग, क्या बोला तुम लोग को? बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो मैंने आज तक किसी के वीडियो में बुरा कमेंट नहीं किया है भाई। क्या कर सकते हैं, ये सब करामात का जिम्मेदार ये छोकरी है या इसके बोलने पे कर रहा हूँ सब में। बोली बोल रही बियर्ड पे फेस पेंटिंग नहीं होता है तो करना ही पड़ेगा। ये तो साफ भी कर रहा है। नहीं वो साफ तो करेगा। ये है भास्कर का छोटा भाई ऑस्कर गुप्ता। तो गाइस कर लिया बीएड ट्रिम, मैम के डिमांड पे कर लिया। तो देख लो क्लोज से थोड़ा व्यू ले लो कैसा लग रहा है। ये तो टट्टी है। आई नो थोड़ा परफेक्ट नहीं हुआ है क्योंकि मुझे कभी आता नहीं, ट्रिम कभी किया नहीं। एक बार घर पे शो किया था मैंने ट्रिम, तो फुल ऐसा हो गया था, मुस्टैज रखा था सिर्फ, जो कि ठीक ठाक लग रहा था। आज इसके बोलने पे पूरा ही कर दिया क्लीन। अच्छा लग रहा है, इतना बुरा नहीं लग रहा। अच्छा लग रहा है। पर गाइस कमेंट करके बताओ ये कैसे दिख रहा है। कमेंट करना नीचे ठीक है कि अच्छा लग रहा है कि नहीं। और अभी तो काफी काम बाकी है तो करना, तो कंटिन्यू करते ठीक है। तो बस देखते रहे ये वीडियो। ट्रिम किया, फेस वॉश किया, गोरा हो गया थोड़ा। तो आगे का देखते हैं, गोरे से और क्या होंगे हम, ठीक है? तो देखते रहो। सो बियर्ड ट्रिम हो गई और काफी हद तक अच्छा लग रहा है। तो अभी जो भी बात है, आगे का जो भी टैलेंट है, मैडम का टैलेंट है, अब जो भी है करो तुम। ये थोपड़ा अब तुम्हारा रहा। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट करते हैं ठीक है। क्या करती हूँ मैं, उससे पहले बाल एडजस्ट कर लेते हैं अपने। मैं ऊपर लग रही हूँ क्योंकि मैं स्टूल पे बैठी हूँ और ये नीचे बैठा है, और काफी अच्छा जुगाड़ किया हमने। सेटअप यस। सो स्टार्ट करते ठीक है गाइस। तो देखते रहो। वो कौन सा आदिवासी रहते थे याद आओ। जो लोग बोलते थे ना गोरा होने के लिए आटा पोत ले, तो भाई पोत लिया मैंने, मजा आया। डेंजर लग रहा है मतलब मुंह से पहले मेरे दांत व्हाइट लगते थे, अभी दांत पीले लग रहे, मुंह व्हाइट लग रहा है।
गई थी। सो गाइस फाइनली फेस पेंटिंग हो चुकी है, किधर से दिख रहा है। सो आप लोग रेडी हो जाओ मेरा फेस पेंटिंग देखने के लिए। ओके 1 2 3 कम ऑन। ओह माय गॉड गाइस, क्या बात है, कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा। बहुत ज्यादा मेहनत करी है, सारा क्रेडिट सोनाली मोरे को जाता है। एंड इसमें सच में बहुत ही ज्यादा मेहनत लगी है, ऑलमोस्ट 3 घंटे से बैठे फेस पेंटिंग करने के लिए। काफी ज्यादा हार्डवर्क किया और इसके लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है पेशेंस, और बहुत ज्यादा पेशेंस, कमर दुखने लगी। और क्या ही अच्छा लग रहा है। और इसी तरह के और भी पेंटिंग्स है इसके इंस्टाग्राम पेज पे, तो मैं मेंशन कर दूंगा, प्लीज जाके देखो और इसके काम को सपोर्ट करो। सबसे मेन बात प्लीज बताइएगा कमेंट में कि कैसा है ये इसका पेंट है, फेस पेंटिंग इतना अच्छा भूत। मुझे लग रहा है सब भाग गए वीडियो देख के। और ओके कमेंट करके बताना कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर भी करना, बच्चों के साथ करना, बच्चों को डराओ थोड़ा, अच्छा लगेगा। यस ठीक है। और दांत पीले हो गए, ठीक है। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस थैंक यू सो मच, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग, और फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, ठीक है। बाय बाय, सी यू सून, बाय बाय।